नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ये न्यू नोटिस है, बिल्कुल आज ही की डेट में जारी किया गया है, इसलिए सारे कैंडिडेट इस नोटिस को बिल्कुल रूप से देख लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ हम आपको बता देंगे कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो चीज़ देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रांसफ़र के बारे में पूछते रहते हैं कि सर ट्रांसफ़र का क्या रूल है और ट्रांसफ़र कब होता है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कैंडिडेट जो जॉब करते रहते हैं और उनका होम डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर रहता है और जॉब किसी और ज़िला में हो जाता है तो उनको परेशानी होता है, तो चाहते रहते हैं कि हम अपना ट्रांसफ़र ले लूँ या ट्रांसफ़र मुझे हो जाए। तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र का रूल क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज क्लियर कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो नया नोटिस है वो चीज़ देख लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और कुछ कैंडिडेटों को यहाँ पर ट्रांसफ़र भी किए गए हैं, तो सारी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगा। वैसे जो जानकारी है, हम आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड पहले जानकारी दे देते हैं। ट्रांसफ़र का एक रूल होता है, जैसे कि आप लोग सबसे पहले 3 साल जॉब पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आपको जहाँ पर जॉब लगता है शुरू में, वहाँ पर अगर आप लोग 3 साल तक जॉब कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आपको डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार डिपेंड होता है, आपको खुद से ट्रांसफ़र नहीं लेना होगा। सरकार चाहेगी तो आपको 3 साल के बाद ट्रांसफ़र के रूल होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। साथ ही अगर इनसे पहले भी सरकार चाहेगी डिपार्टमेंट को कि इस कैंडिडेट को यहाँ से उठा करके किसी और ज़िला में या किसी और ऑफिस में आपको भेज दे, तो वहाँ पर भेजा जा सकता है। तो यही ट्रांसफ़र का रूल होता है। साथ ही फ्रेंड्स, बता दूँ कि ट्रांसफ़र होने के लिए आपको कई रीजन्स होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर अच्छे कार्य कर रहे हैं और कहीं और जगह खाली है और वहाँ पर ज़्यादा जल्दी काम निपटाना है तो उस स्थिति में भी ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर अगर आप वहाँ पर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये चीज़ होता है। और ट्रांसफ़र चाहते हो कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले, होम डिस्ट्रिक्ट में कैसे मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं रहता है, वही तभी हो सकता है जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। और उस केस में अगर आप लीक कर देते हैं कि मैं विशेष कार्य हो चुका है, मैं यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए, जैसे बहुत विकलांग हो जाते हैं या बहुत आपको बॉडी में कुछ गड़बड़ी होता है, जैसे कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, इस स्थिति में वो होम डिस्ट्रिक्ट लीक कर देते हैं तो ट्रांसफ़र होने के वहाँ पर चांसेज बने रहते हैं। तो ट्रांसफ़र होने की फ्रेंड्स यही रूल है। अब बात करते हैं कि अभी जो ट्रांसफ़र का नोटिस जारी किया गया है, किन किन कैंडिडेटों को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, वो चीज़ दिखा देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ये नोटिस आज के डेट में जारी किया गया है, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना आदेश जारी किया गया है। इसमें आप लोग देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। निदेशक इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGMS पटना के बारे में बात कर रहा है। अनुरोध के आलोक में कार्यहित को देखते हुए निम्नांकित कर्मियों को कंडिका 4 से स्थानांतरित करते हुए कंडिका 5 में उल्लिखित स्थानों में पदस्थापित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लैब टेक्नीशियन, उसके बाद एक्स्ट्रा सेक्शन फार्मासिस्ट है, उन सारे को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो विजय कुमार प्रयोगशाला प्रवेदकी यानी कि लैब टेक्नीशियन है, ये गया में था, ठीक है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया में था, इनको ट्रांसफ़र करके इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना यानी कि IGMS पटना में यहाँ पर रखा गया। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो सारे कैंडिडेटों को नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, गया से, बहुत सारण से, फिर कैमूर से, भोजपुर से, और सारे को IGMS पटना में यहाँ पर डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन कैंडिडेटों का नाम यहाँ पर है, वो बिल्कुल रूप से आप लोग अपना यहाँ पर पदस्थापन ले लीजिए IGMS पटना में। और ये नोटिस 4/5/2022 यानी कि आज की डेट में जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल रूप से उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी मिल गया होगा और ट्रांसफ़र कैसे होता है वो भी समझ गए होंगे। इसी तरह से बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाली मात्र YouTube पर एक ही ऐसा चैनल है जो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती है। इसी तरह की न्यूज़ हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जैसे ही ऑफिशियली आता है, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।